गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लिखे, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि यार कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग क्या होती है और नेगियोस के बारे में आज हम डिटेल में तफसील में बात करेंगे। मॉनिटरिंग टूल आपको पता है, जैसे कि डेवऑप्स के अंदर आखिर में अगर हमें कोई चीज पढ़नी होती है तो वो मॉनिटरिंग पढ़नी होती है, क्योंकि अगर हमने सारा काम कर लिया है, हमने अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली बना के डिप्लॉय कर दिया है, तो ऐसा नहीं है हमारा काम खत्म हो गया। अब हम उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे कि अब वो चीज चल रही है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आप उसकी हर 3 महीने 6 महीने में सर्विस कराते हैं, देखते हैं कोई खराबी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही वहां तो आप 3 महीने के बाद जाते हैं, लेकिन यहां आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां आपको हर मिनट हर सेकंड उस चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं मेरे सर्वर में कोई खराबी तो नहीं आ रही, कहीं मेरी एप्लीकेशन में कोई मसला तो नहीं है, कहीं किसी हैकर ने कुछ हैक तो नहीं कर दिया, कहीं कोई कोड मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, या और कोई भी एरर। उस चीज को आपको कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। मसलन मैं आपको कहूं कि स्प्लंक जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, प्रोमेथियस भी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आप देखें तो ELK जो आता है आपका वो भी अवेलेबल है। इसके अंदर ये 3 चीजें हैं इसमें, उनसे मिलके बनाए किबाना के साथ मिलके, और इसके अलावा लिब्राटो भी मार्केट में अवेलेबल है, और सबसे फेमस जो क्लाउड के अंदर है, AWS के अंदर है, वो है क्लाउड वॉच। ये भी एक मॉनिटरिंग टूल है। तो मॉनिटरिंग टूल बहुत सारे हैं कहने को, आप सेंसू भी है, सेंसू भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल आपको मार्केट में नजर आ जाएंगे। लेकिन नेगियोस को क्यों हम पढ़ रहे हैं या नेगियोस क्यों पढ़ना है? बहुत सारे लोग कहेंगे ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट आपकी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो सबसे पुराना और आज भी सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो नेगियोस है। नेगियोस सबसे पॉपुलर है। उसका रीजन ये है कि एक तो पुराना है। पुराना होने से क्या होता है, कोई चीज पुरानी से क्या मतलब होता है? देखिए, आज भी ना उन कंपनियों पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं जो पुरानी होती है, 100 साल पुरानी होती है, 50 साल पुरानी होती है। क्यों? क्योंकि यार उनका अपना एक हिस्ट्री रही है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो 100 साल से टिके हुए हैं। ऐसे ही कुछ नेगियोस के साथ है। पुराना जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन इसकी अवेलेबल है, बहुत सारे प्लगइन्स इसके मार्केट में अवेलेबल है, इवन आप प्लगइन्स अपने भी क्रिएट कर सकते हो, खुद का प्लगइन राइट कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नेगियोस के साथ। इसीलिए आज भी मार्केट में नेगियोस बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपकी इंडस्ट्री में हो सकता है इनमें से किसी और को इस्तेमाल किया जा रहा हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लाउड वॉच AWS का पार्ट है, ये भी एक मॉनिटरिंग टूल है। इस पर भी मैं एक मजीद वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, नो नीड टू वरी अभी। लेकिन आज हमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो नेगियोस का पढ़ना है, जो कि हमारा कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग टूल है। अब सवाल ये आता है कि कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग से मतलब क्या है? कंटीन्यूअस, देखें, हमने जो चीज भी पढ़ी ना वो कंटीन्यूअस पढ़ी, चाहे वो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन हो, चाहे वो कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग हो, हर चीज अपने आप हो रही है। डेवऑप्स का मतलब ही ये है, CI/CD पाइपलाइन का मतलब ही ये है। अब आपने सारा काम कर लिया, डेवलपर ने कोड दे दिया, कोड को आपने डिप्लॉय बिल्ड कर लिया, बिल्ड करके आपने टेस्ट कर लिया, सारे काम हो गए आपके, लेकिन कहीं अगर कोई मसला आता है तो वो कौन चेक करेगा? वो ये मॉनिटरिंग टूल चेक करेगा। ये उसी तरीके से जैसे बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वैसे तो कोई काम नहीं होता, पर हाँ कुछ भी अगर उसे इधर उधर गड़बड़ दिखती है बैंक के अंदर, तो तुरंत उस बंदे को पकड़ लेता है कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो बिना वजह, या आप यहाँ पे फोटो क्यों खींच रहे हो, या आप कैसे बात कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही हमारा जो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग टूल है वो नेगियोस है। अब देखें, नेगियोस की या कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत क्यों है? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। आप ये कहें कि why we need continuous monitoring, राइट? तो इसके क्या आप क्या जवाब देंगे, इसके क्या जवाब हो सकते हैं? इसका पहला जवाब हो सकता है कि भाई हम हमारा अगर कोई फेलियर होता है CI/CD के अंदर, तो हमें पता चल जाए फेलियर इनसाइड CI/CD पाइपलाइन, अगर वहां कोई हमारा फेलियर आ जाए तो हमें पता चल जाए, इसके लिए हमें कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। या फिर हमारा कोई एप्लीकेशन फेलियर हो जाए, हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वही हमारी फेलियर हो जाए फॉर एग्जाम्पल,
इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई मसला हो सकता है, हो सकता है हमारा सर्वर ही डाउन हो गया हो किसी भी वजह से, या आईपी एक्सेस ना कर रहा हो या कुछ भी हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है या आपका कोड का फेलियर हो सकता है, एनालाइजिंग ऑफ कोड फेलियर भी आप कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ कोड फेलियर। तो आपका जो कोड है, जो डेवलपर ने कोड लिखा है, वहां कोई मसला आ गया एक वक्त के बाद या स्टार्टिंग में ही, तो इन सारे वजहों से हमें कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। हमारी पाइपलाइन फेल हो रही है कहीं पे वो जाके स्टक कर रही है, कहीं पे जाके वो रुक रही है, या हमारी एप्लीकेशन जो रन कर रही थी वो फेल हो रही है। तो अब ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल कोई भी हो सकता है, वो नेगियोस भी हो सकता है, स्प्लंक भी हो सकता है, सेंसू, लिब्राटो, कोई भी हो सकता है। अब एक और बात कि कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग टूल जो हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम हमारे केस में नेगियोस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब नेगियोस के बारे में भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है, इवन प्रैक्टिकल भी मैं आपको इसका करके दिखाऊंगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, नेगियोस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रन्स प्लगइन्स स्टोर्ड ऑन अ सर्वर व्हिच इज कनेक्टेड विद अ होस्ट और अनदर सर्वर ऑन योर नेटवर्क और द इंटरनेट। In case of any failure, Nagios alerts about the issues so that the technical team can perform recovery process immediately. मतलब ये हुआ, देखिए अंग्रेजी में जो भी बातें लिखी है मैं उनको डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। देखिए इसका बुनियादी मकसद क्या है, हम मॉनिटरिंग टूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, आप ये तो बताएंगे कि ठीक है मॉनिटरिंग टूल से ये चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, बट उसका बुनियादी मकसद क्या है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारा जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाए या अवॉइड हो जाए। पहली बात तो हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारा सर्वर एप्लीकेशन एक मिनट के लिए भी डाउन ना हो, और अगर डाउन होती भी है तो अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम उसे टाइम से ठीक कर पाएंगे, और हो सकता है वो डाउन टाइम जो ज्यादा हो सकता था हमने उसे रिड्यूस कर दिया। यानी मॉनिटरिंग टूल को इस्तेमाल करने का जो बुनियादी मकसद है वो है रिड्यूस डाउन टाइम। तो लाइट चली गई है, तो एक बार आ जाए फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखें अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो Nagios एक ओपन सोर्स है, एक ओपन सोर्स टूल है, या आप कहेंगे थर्ड पार्टी टूल है। ऐसा नहीं है कि ये फ्री है, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है जो Nagios XI के नाम से आता है, और हालांकि उसका भी लिमिटेड वर्जन आपको मिलेगा, और इसके अलावा इसके पेड वर्जन्स भी आते हैं, इन्हें एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके मल्टीपल वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, हम फ्री वाले से काम चला लेंगे, आप Nagios XI को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी वर्जन्स है जो मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है ये किस किस चीज की कर सकता है, आपके सिस्टम्स की, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके नेटवर्क की, एप्लीकेशंस की, सब चीजों की ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकता है। इट रन्स प्लगइन्स, प्लगइन्स चलते हैं, इसका आर्किटेक्चर जब हम समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है एक, जिसका नाम होता है NRPE। तो ये प्लगइन जो है इसकी हम बात करेंगे जब इसके आर्किटेक्चर को समझेंगे, बहरहाल फिलहाल हम बस इतना समझ लेते हैं कि प्लगइन्स यहां पर होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि Nagios जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या मॉडल पे काम करता है, ठीक है, वो भी चलो मैं आर्किटेक्चर जब आपको पढ़ाऊंगा तब तफसील से आपको बताऊंगा। In case of any failure, Nagios alerts about the issues so that the technical team can perform recovery process immediately. कुछ भी गड़बड़ होगी ये अलर्ट देगा, सीधा अलार्म देगा, ईमेल भेजेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको अपडेट करेगा कि ये गड़बड़ फलाना जगह पे हुई है, आप इसको रेक्टिफाई करिए, अदरवाइज ये चीज डाउन हो सकती है, आपका सर्वर डाउन हो सकता है, एप्लीकेशन डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस अलर्ट मैसेज मिलने की वजह से डेवलपर और बाकी टीम के लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो Nagios के बारे में अब हम जरा डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री को समझ लें, ये समझ लें कि इसकी जरूरत क्यों है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, जरा अब उनकी बात कर लेते हैं।
अब जरा नेग्योस की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए 95 के आसपास ये जो एक बंदा है इथान गैलस्टेड, इसने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था नेग्योस के ऊपर। उस टाइम ये जो काम कर रहा था, इसने इसको डेवलप किया था एज अ पार्ट ऑफ नेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक काइंड ऑफ आप कहें कि एक सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, और उसका ये पार्ट था। 2002 में इस बंदे ने क्या किया कि इसको उससे अलग कर लिया और रीनेम कर दिया इस प्रोजेक्ट को नेग्योस बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क इशू विद द नेम नेटसेंट। तो क्योंकि ट्रेडमार्क इशू आ रहा था तो इसने नेग्योस नाम से, इसे नेगियोस भी कहते हैं कुछ लोग, नेग ओएस भी कहते हैं, नेगी ओएस ऐसे कुछ करके बोलते हैं। मैं तो नेग्योस बोलता हूँ जनरली, आप जैसे भी चाहें बोल सकते हैं, ना मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है ना आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो चले खैर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नागिन मत कह देना, इसको नागिन नहीं है, ये नेग्योस है, ठीक है। चले तो मुझे याद आ रहा है कि अभी आजकल की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो एक बंदा ऐसी बात कर रहा था तो उसने पता नहीं, हाँ तो वो रजनीकांत जो हमारे सुपरस्टार हैं, तो वो कहने लगा रजनी खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आप जो है ना नाम जरा ढंग से लें। तो 2009 में इन्होंने क्या किया कि नेग्योस को रिलीज किया, नेग्योस रिलीजेज इट्स फर्स्ट कमर्शियल वर्जन, जिसकी मैं बात कर रहा था, नेग्योस XI, नेग्योस XI या ZAI इसको बोलते हैं। तो ये इनका नया वर्जन था जो इन्होंने रिलीज किया 2009 के अंदर कमर्शियली। उससे पहले तो ये फ्री थे और इस टूल को आप फ्रीली अवेलेबल था, बट उसके बाद ये कमर्शियली इसको लेके आए। इसमें अभी भी आपको इसका फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा और आपको इसका पेड वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों अवेलेबल हैं। 2012 में नेग्योस ने अगेन अपना नाम बदल के नेग्योस कोर कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्यों कर लिया ये मुझे नहीं पता, ठीक है, हो सकता है हम भी टेक्निकल गुफ्तगु का नाम कल से टेक्निकल गुफ्तगु कोर कर दें, ठीक है ना। तो इन 2012 नेग्योस अगेन रीनेम्ड एज नेग्योस कोर। इट यूजेस पोर्ट नंबर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या नेग्योस भी किसी पोर्ट का इस्तेमाल करता है रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, सेंस करने के लिए। तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होते हैं, 5666, उसके बाद के आगे के दो, यानी 5666, 5667, 5668, ये तीनों पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट ये इस्तेमाल करता है मॉनिटरिंग करने के लिए क्लाइंट्स की, ठीक है। तो ये इन्हीं पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट को भेजता है, चीजों को सेंस करता है, रिक्वेस्ट आती भी है जाती भी है, उसके लिए इन पोर्ट नंबर का इस्तेमाल होता है। ये पोर्ट नंबर चेंज किए जा सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल पोर्ट नंबर होते हैं, आप जाएंगे अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो आप चेंज कर सकते हैं। अब सवाल, वही बुनियादी सवाल जो मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि ये चीजें आपको पता है, मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे लिख दी हैं सो दैट फ्यूचर में जब आप कभी नोट्स को पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि नेग्योस हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है इसकी। देखिए पहली बात, सभी तरीके के नेटवर्क और सर्विस इश्यूज जो हैं उनको ये सेंस कर लेता है, मॉनिटर करता है और आपको अलर्ट करता है। तो कोई भी इशू आएगा अगर पूरे नेटवर्क में, CI/CD पाइपलाइन में, कहीं पर भी, ये आपको अलर्ट करेगा। Help you to find the root cause of the problem, which allow you to get the permanent solution. Root cause ये कैसे पता करता है? देखिए CI/CD के अंदर आपकी हर एक step के बाद, suppose करें developer ने यहाँ से code लिखा, उसने फिर यहाँ पे commit किया GitHub के ऊपर, उसके बाद ये build होने के लिए गया, build होने के बाद ये test होने के लिए गया, test होने के बाद ये deploy हुआ, for example. तो अब जहाँ पर भी कहीं error आएगा, ये उस error को वहीं से पकड़ कर सीधा आपको inform करेगा। तो उससे रूट कॉज का पता चलता है कि एक्चुअल में एरर कहां आ रहा है और क्यों आ रहा है। और एक और बात, ये उसको फिक्स भी कर देता है, बहुत सारे इश्यूज को ये खुद से भी रिजॉल्व कर देता है। ये चीजें भी इसमें होती हैं अगर आपने इसमें इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग की हुई है, तो ये फिक्स भी कर देता है। डाउन टाइम, ऑब्वियसली अगर आपने ये पता लगा लिया कि भाई ये चीज खराब होने वाली है तो आप उसको पहले से ठीक करने की कोशिश करने लगेंगे और आपका जो डाउन टाइम है वो कम हो जाएगा। डाउन टाइम से मतलब क्या होता है? डाउन टाइम से मतलब होता है जितनी देर हमारा सर्वर डाउन रहता है, काम नहीं करता है, उसको डाउन टाइम कहते हैं। तो बेसिकली ये उसको कम कर देता है। एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव ये दोनों तरह की मॉनिटरिंग करता है, मैं आपको ये बता दूं तो उन दोनों को मैं डिस्कस कर लूंगा। बड़ा बुनियादी सा तरीका है इसमें, देखिए मैं आपको चलो यहीं समझा देता हूं। सपोज करें ये आपका नेग्योस सर्वर है, ठीक है, ये आपका नेग्योस सर्वर है जहां पे मेन सर्वर है नेग्योस का, और
ये आपके वो क्लाइंट है जिन्हें ये मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, ये वो चार क्लाइंट है जिन्हें ये मॉनिटर कर रहा है, जिनकी हेल्थ को इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन सर्वर हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशन यहां पर चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये उन चारों को सेंस कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो देखिये एक्टिव मॉनिटरिंग और पैसिव मॉनिटरिंग में क्या फर्क होता है। एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब है जब सर्वर खुद इनके पास जाए और पता करे कि यहां कोई खराबी तो नहीं आई, समझ रहे हैं बात। यानी नेगियोस खुद जाके, नेगियोस एक्सआई सर्वर फॉर एग्जांपल मैंने लगा रखा है, तो नेगियोस एक्सआई सर्वर खुद सेंस करता रहता है कि क्या मेरे क्लाइंट में कोई इश्यू तो नहीं आया। तो यानी यहां से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर ये रिस्पॉन्स करेगा नो आई एम वर्किंग प्रॉपरली, आई एम ओके। तो यानी रिक्वेस्ट नेगियोस से क्लाइंट की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे एक्टिव मॉनिटरिंग कि मेरा सर्वर बड़ा एक्टिव है, खुद से ही पता कर रहा है, ठीक है। पैसिव क्या होता है, अब देखें ये ना कुछ ऐसा ही है कि क्लास में ना दो तरह के बच्चे हुआ करते थे अक्सर, मुझे याद है। तो कई बार हम इस चक्कर में गालियां भी खाते थे टीचर के पास जब हम पहुंचते थे देर से कि सर ये डाउट है, या एग्जाम टाइम पे पहुंचते थे कि सर ये चीजें बता दो, तो कहते थे उसे देखो वो डेली मेरे पास आता था लेक्चर के बाद, डेली मुझसे बातें किया करता था, डाउट क्लियर किया करता था, तुम लोग बस एग्जाम से दो दिन पहले आ जाते हो पूछने के लिए कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। तो हम जैसे लोग क्या थे, पैसिव थे। उन जैसे लोग जो वो जो डेली डेली सर के पास जाते थे पता करने, वो एक्टिव थे क्योंकि वो डेली जाते थे। अब यहां पर भी वही वाली बात है कि सर्वर अगर खुद जा रहा है तो ये बड़ा एक्टिव बंदा है। और पैसिव का मतलब क्या, इससे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, क्लाइंट बेचारा खुद आ रहा है बताने कि हाँ जी मैं ठीक हूं या मैं खराब हूं, है ना। तो वो पैसिव होता है कि क्लाइंट खुद इसको सेंस करता रहता है। और क्लाइंट से अगर इसका, अब आप कहेंगे सर अगर क्लाइंट खुद इसको बता रहा है मैं ठीक हूं, तो अगर क्लाइंट खराब हो गया तो भी उस केस में क्या होगा, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि देखे ये वही वाली बात है कि यार एक बंदा डेली मेरे घर पे आता था मुझे अखबार देने, आज नहीं आया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब ये बंदा डेली आता था, ये हर मिनट में आके इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं, लेकिन एक मिनट बाद ये नहीं आया तो सर्वर क्या समझेगा, ये खराब हो गया, समझ में आ रही है बात। तो उसे कहते हैं पैसिव मॉनिटरिंग, जब क्लाइंट खुद आके इसको बताए, यानी क्लाइंट टू एक्सआई सर्वर इंफॉर्मेशन आती है, रिक्वेस्ट आती है, वो खुद सेंस करता है, क्लाइंट सर्वर को लगातार पिंग करता रहता है, अपनी तरफ से कोशिशें करता रहता है कनेक्ट रहने की। तो एक्टिव और पैसिव मॉनिटरिंग दोनों नेगियोस के अंदर होती है। Allow you to monitor and troubleshoot server performance issues. तो ये आप इसको troubleshoot भी कर सकते हैं, जहां problem आई है उसको rectify कर सकते हैं, automatically problem को fix कर सकते हैं। तो ये इन सारी बुनियादी चीजों की वजह से हम नेगियोस को इस्तेमाल करते हैं। अभी just इसकी शुरुआत है, अभी हम डिटेल में चलेंगे, इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, और इससे ज्यादा डिटेल लेक्चर नेगियोस पे ना आपको मिलेगा ना आपको जाने की जरूरत है। मतलब ए टू जेड नेगियोस के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में, और इससे अगले लेक्चर जो आने वाला है वो भी इसी पर होगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव डेमो करके दिखाऊंगा पूरा नेगियोस के ऊपर। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। तो चलिए अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। तो अब जरा हम नेगियोस के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आप फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए ये ओल्डेस्ट भी है और लेटेस्ट भी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ओल्डेस्ट भी है लेटेस्ट भी है, लेटेस्ट मतलब नया होता है, ओल्डेस्ट मतलब पुराना होता है। देखिए दोनों ही बातें हैं यहाँ पे, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पहले से चला आ रहा है, लेटेस्ट मतलब आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और अब भी बिल्कुल अप टू डेट है, यानी पुराना भी है और विश्वसनीय भी है, ठीक है। तो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा नेगियोस, हमारा नेगियोस जैसे हमारा बजाज, ठीक है। चले ओल्डेस्ट एंड लेटेस्ट, गुड लॉग एंड डेटाबेस सिस्टम। इसके पास देखिए फीचर्स में ना बहुत सारी चीजें आई है उसमें, इसका लॉक सिस्टम बहुत अच्छा है, जो रिपोर्ट आपको मिलती है वो बड़ी अच्छे तरीके से मिलती है, जो इसका वेब इंटरफेस है वो बहुत मतलब क्लियरली वहां सब कुछ मेंशन है, कहां एरर आ रहा है, किस पोर्ट में एरर आ रहा है, सर्विसेज कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से होस्ट अप है, कौन से डाउन है, बड़ा क्लियरली मेंशन होता है। तो इसका जो इंटरफेस है या आप ये कहें कि जो इसका एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा है। तो गुड लॉग एंड डेटाबेस सिस्टम, इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव वेब इंटरफेस जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑटोमेटिकली सेंड अलर्ट्स इफ कंडीशन चेंजेस, अगर कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो ऑटोमेटिक अलर्ट जाएगा। कंडीशन चेंज से मतलब साफ है, यस का नो होता है, नो का यस होता है, या फिर यहां पर क्या होता है, क्रिटिकल होता है, पेंडिंग होता है, इस तरह की कंडीशंस वहां पे होती हैं। अगर कोई भी सिचुएशन
चेंज होती है तो नॉर्मल से क्रिटिकल में आता है या नॉर्मल से पेंडिंग में आता है, नॉर्मल से वार्निंग में आता है, तीन चार सेगमेंट्स होते हैं नेगियोस के अंदर, तो वहां अगर कुछ भी चेंज होगा तो एकदम से अलर्ट जाएगा कि सिचुएशन क्रिटिकल है या सिचुएशन वार्निंग मैसेज आपको जाएगा। तीन चार इन्होंने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। वार्निंग का मतलब है खराब हो सकता है, क्रिटिकल का मतलब है खराब हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेजेस आपको जाते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेते हैं। हेल्प यू टू डिलीट नेटवर्क एरर्स और सर्वर क्रैशेस। कोई सर्वर को आप हटाना चाहते हैं, आपको पता चल गया यार चार में से एक मेरा खराब हो गया, तो अभी फिलहाल उसको हटा दो, जब तक उसको हम ठीक कर रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, गाड़ी अगर खराब हो जाती है, गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाता है, तो गाड़ी के बाकी 300 सही है, तो हम क्या करते हैं खराब वाले पहियों को निकाल के जो गाड़ी में एक एक्स्ट्रा हमारा स्टेपनी पड़ी होती है, एक्स्ट्रा पहिया पड़ा होता है, उसको वहां फिट कर देते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, फिलहाल उस पंचर वाले पहियों को ले जाते हैं, बाद में दो दिन बाद जब भी पंचर वाला मिलता है हम उसको भी ठीक करा लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है। अगर कोई सर्वर आपका खराब हो गया, क्रैश हो गया, फिलहाल उसे हटा लो वहां से, उसको बाकी जो चल रहे हैं उन्हें तो चलने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो वो सारा काम भी यहाँ पे किया जा सकता है। You can monitor the entire business process. Business process से मतलब application से ही है, आप उसको monitor कर सकते हैं and IT infrastructure with a single pass. Single pass से मतलब ये है कि एक ही बार में पूरी जो भी आपकी process है, application है, starting से लेके end तक, वो पूरी ये monitor करता रहता है और एक ही बार आपको बस इसे बताना है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ finish करना है। मॉनिटर नेटवर्क सर्विसेज लाइक HTTP, SMTP, SNMP, FTP, SSH, POP, DNS, LDAP, IPMI, etc. ये सारे वो पोर्ट हैं, वो सारी सर्विसेज हैं जिन्हें ये चेक करता है। इन सभी पोर्ट नंबर पे ये लगातार पिंग करता रहता है, पता करता रहता है कौन सी सर्विस अप है, कौन सी डाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी HTTP सर्विस डाउन हो गई तो क्या होगा, मेरा सर्वर रीचेबल नहीं होगा इंटरनेट के थ्रू। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजों को ये चेक करता रहता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, SSH अगर डाउन हो गया तो फिर ये मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरा मैंने वहां पे NRP एजेंट जो डाला हुआ है, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। SSH हमें वहां पे रिक्वायर्ड है। तो ये सारी बुनियादी बातें हैं, तो ये फीचर्स हो गए नेगियोस के। अब बात करते हैं कि ये एक हमारा पॉइंट छूट गया था, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की मैं बात कर रहा हूं नेगियोस से भी पहले। नेगियोस क्या है? एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टूल है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टूल के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अब चाहे आप नेगियोस इस्तेमाल करें, चाहे आप स्प्लंक इस्तेमाल करें, चाहे आप लिब्राटो इस्तेमाल करें, चाहे आप ELK इस्तेमाल करें, किबाना इस्तेमाल करें, या कोई और भी प्रोमिथियस आप इस्तेमाल करें, कोई भी आप जो है ना मॉनिटरिंग टूल इस्तेमाल करें, फेजेस सेम रहेंगे। ये चीज सेम रहेगी सभी के लिए, क्योंकि ये मैं नेगियोस के फेजेस नहीं बता रहा, ये मैं कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग के फेजेस बता रहा हूं। तो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग तो ये सारे टूल करते हैं, तो इनके फेजेस क्या हैं? इनके देखिए 6 फेजेस हैं। पहले फेज में डिफाइन करना है आपको। डिफाइन से मतलब क्या है कि आप बताएं कि आप मॉनिटरिंग किस तरीके की चाहते हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग आप करेंगे, आप पाइपलाइन पे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, डेवलपर के कोड को पहले आप मॉनिटर करेंगे, फिर आप GitHub में पड़े हुए कोड को मॉनिटर करेंगे, फिर आप वो जब बिल्ड होगा तब मॉनिटर करेंगे, फिर जब वो टेस्ट होगा तब मॉनिटर करेंगे, वो सारी चीजें, वो स्ट्रेटजी आप पहले डिफाइन करेंगे। सेकेंड नंबर पे, अब आपने उसे डिफाइन कर दिया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसे एस्टैब्लिश करेंगे कि अब भाई हम इसे मॉनिटर कैसे करना चाहते हैं। हर 5 मिनट के बाद ये चेक करें, हर 1 मिनट के बाद ये चेक करें, या कोई चेंज जब हो तब ये चेक करें। उस तरह की सारी चीजें आपने यहां मेंशन करनी है, वो एस्टैब्लिश के अंदर आ जाएगा। यानी डिफाइन कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। एस्टैब्लिश मतलब पैरामीटर सेट करना कि मैं कैसे कैसे करूंगा। डिफाइन में तो एक आइडिया ले लिया हमने, ये कुछ ऐसा समझे एक मकान हमें बनाना है तो पहले हमने एक नक्शा बना लिया तो डिफाइन हमने कर दिया। एस्टैब्लिश के जब हम बात करेंगे तो अब एस्टैब्लिश में ये बात करेंगे कि कितने कमरे बनेंगे, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी हमें उसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी प्लॉट के अंदर पहले, और कितना हमें फ्रंट में मेन गेट का जगह छोड़नी है, वो सारी चीजें हम एस्टैब्लिश में करेंगे। फिर आती है बात इंप्लीमेंट की, यानी अब हमने मकान बनाना शुरू कर दिया, हमने उसमें जो है उसकी नींव डाल दी, वहां पे दीवारें पिलर बीम खड़ी कर दिए और हमने मकान बनाना शुरू कर दिया। तो अब जैसे ही अब आप कहेंगे यार मकान ना बनवाओ, यहां पढ़ाओ, तो मेरा मतलब वही है, आप थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चलना कि अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई उसे हमने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, हमने उसको उस मॉनिटरिंग टूल के अंदर सारा सेट करके चला दिया।
अब साहब इंप्लीमेंट हो गया तो कुछ टाइम बाद डेटा भी आएगा, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है। अब उस डेटा को एनालाइज करो, ये पूरा फेज है, यानी पूरा मॉनिटरिंग कैसे होती है। आपने डिफाइन कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, यानी मॉनिटरिंग टूल चालू हो गया। अब उसके चालू होने के बाद क्या, उसको डेटा मिल रहा होगा लगातार, कौन सी सर्विस सही चल रही है, कौन सी सर्विस खराब चल रही है, वो सारा डेटा आपको कलेक्ट करना है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनानी है, देखना है कहां क्या एरर आ रहा है। अब जो एरर आए हैं उनके बेस पे आपको रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड से मतलब यही है कि अगर कहीं एरर आया, कोई फेलियर हुआ है, कोई CI/CD पाइपलाइन में कहीं पर कोई फेलियर हुआ है, तो आप उसे सही करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी जवाब देंगे, उसको ठीक करेंगे। और जब वो सब हो जाए, वो ठीक हो जाए, दोबारा रिव्यू एंड अपडेट करें। अब आप दोबारा रिव्यू करें, यानी इसी प्रोसेस को दोबारा चलाएं, दोबारा फिर उसको अपडेट करें, जो चीजें आपने ठीक कर दी वो सारी अपडेट हो गई होंगी, अब उसके हिसाब से दोबारा ये फेस चलेगा। यानी एक साइकिल है जो लगातार चलती रहेगी, और इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। बात समझ आ रही है? बेहद आसान है। देखिए, अब डेवऑप्स के जो मुश्किल चीजें थी ना, वो तो खत्म हो चुकी हैं। अब तो बड़ी बुनियादी चीजें बची हैं, मजेदार चीजें बची हैं, जो आपको चुटकियों में समझ आ जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये और ये बातें हमारी हो गई, अब आते हैं बुनियादी बात पे कि नेगियोस का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो अब जरा नेगियोस का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि नेगियोस किस तरीके से काम करता है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले साफ साफ लिखा हुआ है, नेगियोस इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि एक सर्वर होगा, बाकी क्लाइंट होंगे। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है, आप पहले सबसे पहले, जैसे अगर मैं आपको लैब भी कराऊंगा तो लैब में मैं क्या करूंगा कि एक AWS के ऊपर EC2 इंस्टांस लूंगा और वहां पे नेगियोस इंस्टॉल करूंगा, तो उसे मैं क्या कहूंगा, वो मेरा नेगियोस सर्वर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा नेगियोस सर्वर है। अब नेगियोस सर्वर है तो ये किसी को मॉनिटर करेगा, क्योंकि भाई नेगियोस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये एक मॉनिटरिंग टूल है। ये मॉनिटर किसको करेगा, ऑफ कोर्स मेरी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेरे डिफरेंट सर्वर्स एप्लीकेशन जहां पर चल रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम नोड्स कहेंगे। नोड्स, नोड कहो या क्लाइंट कहो, एक ही बात है। जैसे ये सर्वर है तो इन्हें आप क्लाइंट कह दो, या फिर आप नोड कह दो, कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें एक्चुअली में मॉनिटर इन्हें करना है, और ये क्या होते हैं, ये भी अपने आप में सर्वर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जहां इस आर्किटेक्चर के अंदर जहां नेगियोस पड़ा होता है उसे हम सर्वर कहेंगे, बाकी सबको एज अ नोड या क्लाइंट कहेंगे। तो मॉनिटर किसे करना है, हमें इन चारों को करना है, किसके थ्रू, इस सर्वर के थ्रू, नेगियोस के थ्रू। तो नेगियोस कैसे इन्हें मॉनिटर करता है, आखिर क्या चीजें नेगियोस के अंदर होती हैं, उन्हें जरा एक बार आप समझिए। देखिए, सबसे पहले जो नेगियोस के अंदर होता है वो होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, यहां पर होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मतलब क्या है, यार एक बात बताओ आप कि आप किसी भी चीज को कैसे मॉनिटर करोगे। अगर मुझे यहां से यहां इन मशीन तक जाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इन मशीन का आईपी एड्रेस अगर मेरे को पता है तभी तो मैं जा पाऊंगा ना। मेरे पास अगर आईपी एड्रेस होगा सभी सर्वर्स का, नोट्स का, तभी मैं उन पर जा पाऊंगा। उनका यूजर नेम पासवर्ड होगा तभी मैं उसके अंदर घुस पाऊंगा। आपने शेफ में ये काम किया हुआ है, शेफ में भी हम ऐसे ही करते थे। तो अब उनका यूजर नेम पासवर्ड, उनका आईपी एड्रेस, ये मुझे मालूम होना चाहिए। तो चलो, वो मैंने यहां पे डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया मैंने, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, इन सारी मशीनों का, ताकि हम इन तक पहुंच सके। अब बात आती है हमें इसमें मॉनिटर क्या करना है। भाई हम इसके CPU लोड को मॉनिटर करना चाहते हैं, हम इस पर कितना जो है ट्रैफिक आ रहा है या ट्रैफिक जा रहा है, या ये रेस्पॉन्स कितना कर रहा है, कितनी रिक्वेस्ट को ये सक्सेसफुली हैंडल कर रहा है, कितनी रिक्वेस्ट को ये फेल्ड या डिनाई कर रहा है, वो सारी चीजें, वो सारे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था फीचर्स में कि ये पोर्ट नंबर को एक्सेस करता है, जैसे HTTP को एक्सेस कर रहा है, SNMP को एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना, IPMI को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, LDAP को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को ये एक्सेस करता है, मतलब टेस्ट करता है कि ये काम कर रहे हैं ढंग से कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी मुझे जो चीजें टेस्ट करनी है, मॉनिटर करनी है, जिन पे मुझे ध्यान देना है, वो सारी चीजें कहां मैं बता के रखूंगा, वो सारी चीजें बता के रखता हूं मैं इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी जाती हैं जो हमें चाहिए या जो हमें मॉनिटर करनी है। तो सबसे पहले मैं नोगिया सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उन सारी इंफॉर्मेशन को डाल देता हूं। उसके बाद इसके पास एक डायमन होता है, डायमन देखिए, आपने डॉकर में भी देखा होगा, डॉकर डायमन होता था हमारे पास। ठीक है, देखिए डायमन क्या, ये एक सर्विस है,
ठीक है, यानी ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ये नोगियोस का सर्वर है वो इसी के थ्रू चल रहा है, ये एक सर्विस आप कह लें। जैसे हमने आपने देखा होगा जब हम लैब करते हैं और HTTPD हमारे पास एक होती है तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है HTTPD स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही हम डॉकर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नोगियोस को स्टार्ट करने के लिए डीमन हमारे पास होता है, इसे आप सर्विस कह लें, डीमन कह लें, कुछ भी कह लें। अब ये डीमन जो है ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, भाई मुझे ये बताओ क्या क्या करना है, ये वो बंदा है ना जो एक्चुअल में काम करने वाला है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल से सारी चीजें ले लेगा। अच्छा मुझे इन एड्रेस पे जाना है, इन पतों पे जाना है और इन बंदों से ये इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि ये सही चल रही है कि नहीं चल रही है। डीमन ने वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब डीमन ये काम खुद से नहीं करता, एक प्लगइन की हेल्प से करता है। उस प्लगइन को क्या बोलते हैं, उस प्लगइन को बोलते हैं NRPE और सारा खेल ही इस प्लगइन का है। नोगियोस के अंदर सबसे पॉपुलर प्लगइन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है NRPE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नोगियोस रिमोट प्लगइन एग्जीक्यूटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, बड़ा फेमस प्लगइन है NRPE प्लगइन। तो आपने NRPE प्लगइन पहले इंस्टॉल करना है और NRPE प्लगइन क्या क्या करेगा, डेमन NRPE प्लगइन को इन्वोक करेगा, उसको जगाएगा, बोलेगा भाई मेरे को ये काम करने के लिए दिया गया है तू जल्दी से जाओ पता करके आ। तो अब NRPE प्लगइन क्या करेगा, वो तो तब जाएगा जब उसका भी वहां पे कोई हेल्पर होगा। अब आपको जैसे कहीं भेज दिया जाए, आपसे कहा जाए यार फलाना दफ्तर में जाके ये खबर निकाल के लाओ, तो खबर तो तभी निकालोगे जब आपका भी वहां कोई जानने वाला बैठा होगा, अदरवाइज तो आपको बाहर से भगा देंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे। तो अब NRPE वहां तब जा पाएगा जब वहां पर भी कुछ उसका सपोर्टर, उसका भाई बंधु वहां पर होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर भी एक प्लगइन होता है जिसे हम कहते हैं चेक बाय SSH। ये एक प्लगइन हम डालेंगे क्योंकि यहां पर जितने भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे वो कनेक्शन कैसे कनेक्शन होंगे, SSH कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो यहां पर इनके लिए हमने इसको इससे कम्युनिकेट कराने के लिए एक प्लगइन, हमें आप प्लगइन कह लें उसको, इसे हम जनरली NRPE एजेंट भी कहते हैं, NRPE एजेंट आप एजेंट भी कह सकते हैं, जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। तो NRPE एजेंट कह लें आप, चेक बाय SSH कह लें, वो प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे सभी क्लाइंट्स के ऊपर। ऐसा करने से क्या होगा, अब वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, इसकी रिक्वेस्ट को समझ पाएगा और रेस्पॉन्स कर पाएगा। अब NRPE जाएगा उसके पास, बोलेगा भाई मेरे को जल्दी जल्दी ये इंफॉर्मेशन दे दो, तुम्हारा HTTP पोर्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, SNMP पोर्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, LDAP पोर्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन इसको देगा, ऐसे ये इंफॉर्मेशन यहां से लेके आएगा, इंफॉर्मेशन यहां से लेके आएगा, इंफॉर्मेशन यहां से लेके आएगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा डायमन को। अब डायमन के पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब डायमन के पास ना अपना एक लोकल डेटाबेस होता है, लोकल मशीन के अंदर ना अपना खुद का एक डेटाबेस होता है, वो अपने डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, छोटा सा डेटाबेस होता है। अब उस डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है कहां, आपके वेब पेज के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर, या आप इसे डैशबोर्ड कह सकते हैं, नोगियोस का डैशबोर्ड। अब वो आपके डैशबोर्ड में उसे डिस्प्ले करेगा, और ये कहां दिखेगा आपको वेब पेज, ये आपको इंटरनेट के थ्रू ही दिखेगा, ये जो वेब पेज है ना ये आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होगा। मैं आपको दिखाऊंगा लैब में करके कि इंस्टॉल तो हम नोगियोस सर्वर को EC2 मशीन के ऊपर करेंगे, लेकिन वो सारा कुछ करने के बाद हमें जो वेब पेज दिखेगा, जो हमें डैशबोर्ड दिखेगा, वो हमें इंटरनेट पे दिखेगा। कैसे दिखेगा, आपका नोगियोस सर्वर का जो भी IP एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल नोगियोस सर्वर का IP एड्रेस है आपका 12.1.1.1, तो इंटरनेट पे जाएं, गूगल क्रोम ब्राउजर में जाएं, वहां पे आप 12.1.1.1/nagios/ कर दें, तो आप देखना आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा नोगियोस का, और जो जो क्लाइंट आपके ऐड हैं वो सारे आपको वहां वेब पेज पे नजर आएंगे। वो अप है तो अप नजर आएंगे, डाउन है तो डाउन नजर आएंगे। ये जब आप करेंगे तो ये आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड भी पूछेगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड आपने एंटर करना है, वो क्या होता है कैसे होता है वो जब मैं लैब कराऊंगा आपको सब कुछ बताऊंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर है नोगियोस का कि नोगियोस किस तरीके से काम करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो यहां पर क्लाइंट ये है, सर्वर ये है। सर्वर कैसे काम करता है मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अच्छा मुझे ना बात करते करते एक और बात याद आ गई पिछले लेक्चर की, कि लेक्चर नंबर 42 में आपने देखा होगा मैंने जो CI/CD का प्रोजेक्ट कराया उसमें एंड में हमारा डिप्लॉयमेंट फेल हो रहा है, तो वहां पे
मसला ये है कि वहां पे मैंने ना उसको जो एक्सेस करने के लिए जब मैं उसके सेटिंग में गया अपने डिप्लॉय की जो डिप्लॉय जॉब है, तो वहां पे मैंने HTTPS का इस्तेमाल किया है। वहां आप HTTPS की जगह HTTP का इस्तेमाल करें, HTTP/ करके आप उसको लिखें तो आप देखना आपको आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। आप चेक करिएगा इस चीज को, जहां पे मैंने HTTPS लिखा है डिप्लॉय जॉब के अंदर जाके, वहां आपने HTTPS ना करके HTTP यूज करना है। ये मैं लेक्चर 42 की बात कर रहा हूँ, DevOps के लेक्चर नंबर 42 की। तो मेरा जो डिप्लॉयमेंट फेल्ड हुआ है वो इस वजह से हुआ है, ठीक है। कई लोगों ने मुझे रेस्पॉन्स करके बताया, अभी मैं भी उसमें जल्दबाजी में था, मेरी वीडियो वो बन चुकी थी तो वहां पे वो एरर आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमें प्रोसेस समझ आना चाहिए, प्रोसेस समझ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया, नेगियोस में कैसे काम होता है, अगर आप हो सकता है इंडस्ट्री में काम कर भी रहे हो तो आप अब रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, क्या होता है। अच्छा देखिए, यहां पे क्या होता है ना, यहां पे आपके पास NRP प्लगइन है, यहां पर भी हमारे पास NRP प्लगइन होते हैं, बट वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से, जैसे ना यहां पे चेक बाय SSH है, ऐसे ही हमारे पास यहां पे अदर प्लगइन होता है, चेक अंडरस्कोर लोड होता है, चेक अंडरस्कोर हमारे पास HTTP होता है। इस तरीके से जो जो हमें चेक करना है वो सारे प्लगइन्स हमारे पास होते हैं, अंडरस्कोर करके चेक अंडरस्कोर दिस, चेक अंडरस्कोर दिस, चेक अंडरस्कोर SSH, इस तरीके से प्लगइन्स यहां पे स्टोर होते हैं, वो रेस्पॉन्स करते हैं NRP को। NRP क्या है? NRP है हमारा Nagios Remote Plugin Executor, ठीक है। ये प्लगइन यहां पे होता है, अब यहां पे बोले तो आप कहें कि आपके सर्वर साइड में होता है, और NRP एजेंट यहां डाला जाता है, ठीक है। NRP नॉर्मल NRP यहां डाला जाता है और NRP एजेंट आपका क्लाइंट साइड पे डाला जाता है। चले अब जरा मैं थ्योरी की बात कर लेता हूं। Nagios is a client server architecture, बात आपको समझ आ रही है। Usually on a network, a Nagios server is running on a host. Host किसे कहते हैं? वो मैं बताता हूँ। And plugins are running on all the remote host, which should you monitor. देखिए, इन्होंने कहा है कि भाई जो Nagios server है, वो host पे run करता है। Host बोले तो EC2 machine के ऊपर मैं Nagios server install करूँगा, तो उसे हम host कहेंगे। फिर ये कहते हैं plugin आपको डालने पड़ते हैं यहाँ पे, जिन्हें आप monitor करना चाहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी just आपको बताया कि check underscore लोड, चेक अंडरस्कोर HTTP, ये सारे प्लगइन्स हैं, वो सारे आप इन्हें एजेंट भी आप कह सकते हैं, वो सारे आप डालेंगे क्लाइंट साइड में। इस साइड में तो बस एक NRPE आएगा, तो वही हमारा एक प्लगइन होगा। अच्छा, How does it work? Mention all details in configuration files. जितनी भी details हैं वो configuration file में store करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। Daemon read those details and what data to be collected. अब वो information किसके पास गई थी? Daemon के पास गई थी। Daemon ने वो सारी collection information collect करी। अच्छा, मैंने ये काम करवाना है, तो काम तो वो NRP के through करवाएगा, पर information वो खुद collect करेगा। तो उसने वो सारी information collect करी। Collect करने के बाद क्या किया? उसने NRP plugin का इस्तेमाल किया to collect data from nodes and store in its own database. और जैसे ही उसको नोड से कलेक्शन इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने क्या किया? उसने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया, और उसके डेटाबेस ने उसे कहां भेज दिया? वेब पेज के ऊपर भेज दिया, Nagios के डैशबोर्ड पे। Finally shows everything in dashboard. तो ये ओवरऑल ये जो थ्योरी है, ये अब आपको बड़े आसानी से एकदम मक्खन की तरह समझ आ रही होगी, क्योंकि आप ओवरऑल आर्किटेक्चर समझ चुके हैं। तो Nagios को अगर आपने इस आर्किटेक्चर को समझ लिया है, तो आप Nagios की बुनियादी बात समझ चुके हैं, आपका बेस तैयार हो चुका है। अब इसके आगे की बात हम करते हैं, इसको एक दो बार जरूर देखें, इस लेक्चर को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3 बार देखें, आपको हर बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती हुई नजर आएगी, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो भाई बेल आइकन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है। और बहुत सारे लोग हमारे ये चीजें भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सही है, आप ज्यादा यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते तो आपको नहीं पता। प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप लिनक्स की डिमांड कर रहे हैं, आप शेफ की डिमांड कर रहे हैं, पाइपलाइन की डिमांड कर रहे हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। एक बार जरूर चेक करें मेरी सारी प्लेलिस्ट, सारी की सारी आपके मतलब की हैं। आप सारी प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं, किसी भी प्लेलिस्ट को पढ़ने के लिए पहले से किसी नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चले अब करते हैं आगे की बात। अब Nagios के कुछ प्रीरिक्विजिट और बता देता हूं आपको, हालांकि लैब में अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, और क्योंकि वो प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है, तो दोबारा से एक बार रिकैप भी हो जाएगा वहां पे, स्टार्टिंग में आपको रिवाइज भी करा दूंगा। बट फिलहाल ये छोटी मोटी बातें रह गई हैं, जो हम अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट भी करेंगे, कंटिन्यू भी करेंगे। तो
प्रीरिक्विजिट क्या है। देखिए, आप जब नेगुएस को अपने सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे तो कुछ बुनियादी सर्विस आपको वहां इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि HTTP सर्विस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी वहां पे इंस्टॉल करके, PHP आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डैशबोर्ड ताकि आपको दिख सके जो वेब पेज आप बाद में इंटरनेट के थ्रू ओपन करेंगे। GCC एंड GD कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, हालांकि मैंने यहाँ लिख भी दिया पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप खुद से मुझे बताएं कि कंपाइलर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेग्योस का कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ आया। देखें, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है ना, वो जरूर मुझे कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि वो लेक्चर, जो भी लेक्चर आपने देखा, वो कैसा आपको लगा, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हुई है, कितनी चीजें आपने सीखी है, जरूर आप मेरे साथ शेयर करें। वक्त मिलने में मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, रिप्लाई भले ही नहीं कर पाता पर मुझे अच्छा लगता है। और एक बात, मेरे कई लेक्चर्स में आपने कई बार अगर कोई एरर आपको आ रहा है, कोई इशू आपके साथ आ रहा है, तो वो आपके साथ नहीं आ रहा, हो सकता है और किसी सब्सक्राइबर के साथ भी आ रहा हो, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स को हमेशा चेक किया करें। जिस भी वीडियो को आप पढ़ रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करें, क्योंकि वहां कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी सब्सक्राइबर शेयर करते हैं, कमेंट के माध्यम से वो वहां पर पेस्ट कर देते हैं, अच्छे अच्छे आंसर्स पेस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन पेस्ट करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स को भी जरूर पढ़ा करें और खुद भी कमेंट करके अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पर डालने की कोशिश करें, और मुझे भी बताएं कि आपने क्या सीखा है, और ये भी जरूर बताएं कि किस मुल्क से देख रहे हैं, क्या आप करते हैं, सारी बातें बताया करें। और मेरा लिंक्डइन अकाउंट वहां पे मुझसे जुड़ जाए, मेरा फेसबुक ग्रुप टेक्निकल गुफ्तगू वहां पे मुझसे जुड़ जाए, मेरा इंस्टा पे अकाउंट है technical_गुफ्तगू, वीडियो के एंड में आपको सारे लिंक्स आज नजर आ जाएंगे, उन पे जरूर आप मुझसे जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सारी चीजें मिलती रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। अच्छा, मेन कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखकर दिखाइए नेगियोस की, तो ये उसका पाथ होता है, रूट से स्टार्ट करेंगे, USR के अंदर जाएंगे, वहां लोकल नाम की डायरेक्टरी आपको नजर आएगी जो आप खुद क्रिएट करेंगे, उसके अंदर नेगियोस नाम की डायरेक्टरी एक आपकी होगी, उसके अंदर ETC नाम की होगी और वहां negios.cfg होगा, यही वो फाइल है जहां आप हर चीज डिफाइन करते हैं, नेगियोस किस पोर्ट नंबर से कम्युनिकेट करेगा, 566, 566, 7, 566, 8, वो सारी चीजें अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग थिंग्स कॉल्ड एज सर्विस, कोई भी चीज जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आपका नेगियोस सर्वर है और वो सर्वर 4 PCs को मॉनिटर कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उन PC के अंदर वो HTTP सर्विस को मॉनिटर कर रहा है, तो आपके पास 4 सर्वर हैं जिनको आप मॉनिटर कर रहे हैं और हर किसी के अंदर आप HTTP को मॉनिटर कर रहे हैं, तो टोटल आप 4 सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे HTTP और उसके साथ FTP दो चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, तो 2 तो आप इस सर्वर की मॉनिटर कर रहे हैं, 2 आप इसकी, 2 आप इसकी, 2 आप इसकी, यानी टोटल कितनी सर्विस आपकी हो गई, 4 क्लाइंट हो गए, इनटू 2 सर्विस हर किसी के लिए आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो टोटल 8 सर्विसेज आप को आप 8 सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहां पे लिखा मैंने है ऑल मॉनिटरिंग थिंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, हर मॉनिटर थिंग को सर्विस कहा जाता है और वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। अगर 5 सर्वर आपके पास हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है, ये वाले 5 सर्वर, अगर 5 सर्वर आपके पास है और सबकी 4 चीजें आप मॉनिटर कर रहे हैं, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, इस तरीके से 4 सर्विस आप अगर चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो 5 × 4 यानी टोटल 20 सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, और उन 20 सर्विस का स्टेटस आपको डैशबोर्ड में नजर आएगा। डैशबोर्ड कहां नजर आएगा, जब आप पब्लिक आईपी, जो भी आपके सर्वर की सपोज पब्लिक आईपी है /negios, ये जब आप अपने URL में जाके पेस्ट करेंगे तो आपको नेगियोस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको कुछ लेफ्ट साइड में कुछ चीजें नजर आएंगी, जैसे कि होस्ट और सर्विस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक मैप भी आपको नजर आएगा बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, होस्ट एंड सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होस्ट के ये स्टेटस है, होस्ट या तो डाउन हो सकता है या अप हो सकता है या अनरीचेबल हो सकता है या रिकवरी में हो सकता है या नन हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, वहां पर नन लिखा है।
ऐसे ही सर्विस के अंदर भी कुछ चीजें आपको नजर आएंगी, या तो वहां पे वार्निंग नजर आएगा, या वहां अननोन नजर आएगा, या वहां क्रिटिकल नजर आएगा, या फिर वहां रिकवरी नजर आएगा, या फिर वहां पेंडिंग नजर आएगा, इस तरीके की कुछ चीजें नजर आएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अलर्ट या मैसेज जाता है। सपोज किसी सर्विस का स्टेटस जो है वो वार्निंग से क्रिटिकल हो गया, इसका मतलब क्या है, आपने ध्यान नहीं दिया, पहले उसने आपको वार्निंग दी होगी, क्रिटिकल हो गया मतलब अब वो सर्विस फेल्ड हो चुकी है और ये मैसेज आपके पास जाएगा और डेवलपर या जो भी बंदा है उसे अब एक्शन लेना पड़ेगा। नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, और अगर नॉर्मल से वार्निंग में आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ चेंजेस हुए हैं, मुझे अलर्ट होने की जरूरत है, फिर आप चेक करेंगे। तो इस तरीके से डैशबोर्ड के थ्रू आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कौन से आपके क्लाइंट जो है वो अप हैं, कौन से डाउन हैं, सारी चीजें आप इजीली चेक कर सकते हैं। होस्ट का मतलब यही है, होस्ट अप है या डाउन है। तो अभी जैसे कि हम जब लैब करेंगे तो हमारे पास कोई क्लाइंट अगर नहीं भी होगा तो हमारा जो खुद का जहां हमारा नेगियो सर्वर पड़ा हुआ है, यानी EC2 इंस्टांस के ऊपर जहां मैंने नेगियो सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी मुझे यहां पे होस्ट के अंदर नजर आएगा। किस नाम से नजर आएगा? लोकल होस्ट के नाम से। लोकल होस्ट के नाम से मुझे जो नजर आएगा वो एक्चुअल में मेरा वो सर्वर होता है जहां पे नेगियोस पड़ा होता है, मेरा नेगियो सर्वर पड़ा हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लैब रह गई है, लैब को अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। और चलें, बात होती रहती है, आज शेरो शायरी कुछ बढ़िया से करते हैं तो कुछ और शेरो शायरी के साथ बात को खत्म करते हैं। बात को जॉन एलिया साहब के एक शेर से शुरू करता हूं कि मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूं। एक शेर ये याद आता है कि मुझसे दामन ना छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले। मुझसे दामन ना छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। खलीलुर रहमान साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। लॉकडाउन का माहौल है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और अजीब सी ही एक झुंझलाहट होने लगी है घर पे रहकर, तो जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे याद आता है, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। चले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा शेर और शायरी के साथ ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।